कहानी शुरू होती है जर्मनी के खेतों में, जहाँ पर हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो मस्त आलू पका करके खा रही होती है। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए इसके पास आता है। इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए ये एना से हेल्प मांगता है। तो एना अपना दरवाजा खोलती है और इसे अपने बेसमेंट में छुपा लेती है। अब जब पुलिस वाले चले जाते हैं, हम देखते हैं कि जोसेफ एक नंबर का लौंडिया बाज निकलता है। खैर, दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद से ये लोग एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एग्नेस। अब एक दिन की बात है कि पुलिस वाले जोसेफ को पकड़ने ही वाले थे। इससे पहले कि जोसेफ पकड़ा जाता है, ये पानी में जंप कर देता है, जिसके बाद से इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। लेकिन ये वहाँ से भाग करके आ गया होता है अमेरिका, जहाँ ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब हम कई सालों बाद देखते हैं एना एंड एग्नेस को। दोनों बाजार में सामान बेच करके अपना गुजारा कर रही थी। एग्नेस अपने कजन जेन से प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ एक और से भी करती थी, जिसका नाम एयरफील्ड होता है। एयरफील्ड एक जर्मन सेफ था। अब इन तीनों के मचाए हुए कांड से एक लड़की का जन्म होता है। और मजे की बात तो ये है कि एग्नेस को पता भी नहीं होता कि आखिर ये लड़का है किसका, जेन का या फिर एयरफील्ड का। अब पैदा होने के बाद से ही ऑस्कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ एग्नेस ऑस्कर से बोलती है कि अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हारे 3 साल के उम्र में एक ड्रम ला करके दूंगी। यह सुनते ही ऑस्कर चुप हो जाता है। 3 साल गुजरने के बाद इसकी मॉम इसके लिए एक ड्रम ला करके दे देती है। जिस दिन इसका जन्मदिन होता है, ऑस्कर देखता है कि घर में हर तरफ सिर्फ नंगा नाच ही चल रहा था। ये सब देखने के बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि मैं कभी बड़ा ही नहीं होऊंगा, इसलिए मरने के लिए आ जाता है बेसमेंट में। लेकिन ये मरता तो नहीं, मगर इसकी उम्र 3 साल की 3 साल ही रह जाती है, यानी कि ये एक बौना बन जाता है। और ये अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से कभी भी अलग नहीं करता। जो भी इसके ड्रम को छीनने की कोशिश करता, ये बहुत जोर से चिल्ला करके आसपास के कांच को तोड़ देता था, यानी कि इसके अंदर एक अलग तरह की पावर भी आ गई थी। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर 6 साल का हो गया था, जो अब स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा था। लेकिन इसकी साइज और इसका ड्रम सब पहले ही जैसा था। अभी भी जो भी इसके ड्रम को छीनने के लिए जाता, ये चिल्ला करके कांच को तोड़ देता था। साथ ही इसके पावर से डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये कर कैसे ले रहा है। बट एग्नेस तो बस यही जानना चाहती थी कि आखिर ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि एग्नेस हर फ्राइडे को बाजार करने के लिए बाहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकानदार के पास छोड़कर जेन के पास चली जाया करती थी कुछ करने के लिए। लेकिन एक दिन ये कुछ वाला सिस्टम ऑस्कर को पता चल जाता है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद, जहाँ ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका था और अभी ये एक सर्कस में आया हुआ है, जहाँ बौने लोगों को परफॉर्म करता देख एग्नेस को लगता है कि इसका बेटा भी बौना ही है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बेकरा नाम के एक बौने से मिलता है, जो ऑस्कर के इस टैलेंट को देख करके काफी इम्प्रेस होता है और इसे अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट करता है। तभी यहाँ इसकी मॉम आ जाती है और इसे यहाँ से लेकर के जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिस दुकान पर एग्नेस ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी, उस दुकान का आदमी एग्नेस से लव करने लगा था। बट एग्नेस बोलती है कि चल बे, चल हट, और ये बोल करके यहाँ से निकल जाती है। अब कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, जो जेन का बच्चा होता है। इसलिए एग्नेस इस बात को लेकर के हमेशा परेशान रहने लगी थी और इसी टेंशन में ये कच्ची मछलियाँ भी खाने लगी थी। वहीं इसके हस्बैंड एयरफील्ड को इस बात से जरा सा भी मतलब नहीं था कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है। एयरफील्ड तो बस यही चाहता था कि एग्नेस बस खुश रहे। बट एग्नेस ने ऑस्कर को जब से जन्म दिया था, तब से इसको जरा सा भी खुशी नसीब नहीं हुई थी, इसलिए एग्नेस इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और फूड पॉइजनिंग की वजह से एग्नेस की मौत हो जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो अपना ड्रम ठीक करवाने के लिए जेन के साथ एक दुकान पर आता है। साथ ही ये वो दौर चल रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। तभी पोलैंडी जर्मन्स पर हमला कर देती है और इस हमले में जेन मारा जाता है। बट ऑस्कर यहाँ से बच करके निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ एयरफील्ड एक लड़की को अपने घर के काम के लिए हायर करता है, जो घर के काम को करने के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी। अब कुछ दिन गुजरने के बाद ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगा था, इसलिए जब भी एयरफील्ड अपने काम पर चला जाया करता था, रात को दोनों मिलकर के बेड पर कुछ किया करते थे। मारिया भी इस कुछ चीज को लेकर के बड़े मजे ले रही थी, इसलिए ये ऑस्कर को कुछ नहीं बोलती। अब एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि एयरफील्ड का यानी इसके बाप का मारिया से चक्कर चल रहा था। मारिया एयरफील्ड से बहुत प्यार करती थी, बट एयरफील्ड मारिया का बस इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मारिया रोने लगती है। ये सब देखने के बाद ऑस्कर मारिया को संभालने के लिए इसके पास आता है, बट मारिया ऑस्कर को बौना बोल इसे लात मार देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट होती है, बट ऑस्कर को ये पसंद नहीं आता, इसलिए ऑस्कर इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, बट मारिया ऐसा होने नहीं देती। अब कुछ दिनों बाद मारिया को एक लड़का होता है, जिसे पाकर के सारे लोग काफी खुश थे। लेकिन ऑस्कर इस बात से
से जरा सा भी खुश नहीं था, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि ये बच्चा इसका है। अब अगले दिन हम उसी बौने को देखते हैं जो उस सर्कस में काम किया करता था, जो फिलहाल वर्ल्ड वार टू के दौरान एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा है। यहाँ ये बौना ऑस्कर से मिलता है और इसे अपने टीम में आने के लिए इन्वाइट करता है, क्योंकि ये पेरिस में अपने टीम के साथ परफॉर्म करने वाला था। तो ऑस्कर इनके टीम को ज्वाइन कर लेता है और अपने टैलेंट की मदद से पेरिस में लोगों को इंटरटेन करने लगता है। इसी बीच ऑस्कर को अपने ही टीम की एक लड़की रोजमीता से प्यार हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बड़ी ही मजे से काट रहा था, लेकिन एक दिन इन पर अमेरिकन सेना का हमला हो जाता है और इस हमले में रोजमीता मारी जाती है। ये देख करके ऑस्कर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद ये वापिस अपने घर को आ जाता है। घर आने पर ऑस्कर मारिया के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा इसको इसके मॉम ने इसके 3 साल के उम्र में दिया था। ऑस्कर के आने से मारिया जरा सा भी खुश नहीं थी, बट एयरफील्ड बहुत ज्यादा खुश था और एयरफील्ड ऑस्कर से उन लोगों से भी छुपा करके रखा जो ऑस्कर का इलाज करने के लिए ऑस्कर को हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहते थे, क्योंकि एयरफील्ड को लगता था कि ऑस्कर एबनॉर्मल नहीं है। अब शहर में तनाव का माहौल होने लगा था, यानी कि युद्ध का माहौल, इसलिए रेडफील्ड अपने परिवार को बेसमेंट में छुपा करके रखता था। लेकिन एक दिन रूसियन सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जो अंदर आकर के इनको काफी ज्यादा तंग करने के बाद एयरफील्ड को मार देते हैं। ये देख करके ये दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। अब अगले सुबह एयरफील्ड के दुकान पर एक आदमी आता है और ये इस दुकान का नया मालिक था। ये आदमी इस दुकान को कब्जे में करने के बाद ये आदमी एयरफील्ड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि इसने भी हाल में ही अपने परिवार को खोया था, इसलिए परिवार के खोने का गम ये अच्छी तरह से जानता था। दैट्स व्हाई ये इनकी हेल्प करता है। अब ऑस्कर को भी समझ में आ जाता है कि एयरफील्ड के सिवा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं था, इसलिए ऑस्कर डिसाइड करता है कि ये फिर से बड़ा होगा, जिसके बाद ऑस्कर रेडफील्ड के साथ साथ ये अपने ड्रम को भी दफना देता है। तभी अचानक से इसे कहीं से पत्थर आकर के लगता है और ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर शहर के सारे लोग इस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाने लगते हैं, और इसी के साथ ऑस्कर को पता चलता है कि इसके चिल्लाने की शक्ति भी चली गई है। और लास्ट में उसी खेत के साथ एना को दिखाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।